हे गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हो गया वेडनेसडे और मैं नहा ली, मंदिर भी होके आ गई, क्योंकि जैसे मैंने बताया सावन चल चुके हैं तो मैं जल चढ़ाती हूँ तो शिव जी जी को। तो और अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ते में मैं कर रही हूँ इसमें बादाम और ये सोक्ड रेजन्स, मतलब किशमिश। और आज मम्मी ने बनाए हैं अप्पे पे ये रे। और एक्चुअली मेरे फ़ोन में ना सेव हो रहा है मेरा व्लॉग, तो मैं मम्मी के फ़ोन से शूट कर रही हूँ तो थोड़ी सी क्लैरिटी इधर उधर हो सकती है। और बाकी ये है कि मैं फटाफट इसको खाती हूँ और फिर ना कल वाला व्लॉग अपलोड करती हूँ, जाके ज़रूर देख लेना गाइस। ठीक है गाइस, यहाँ चल रही है अप्पे पार्टी। मम्मी ने बनाया है, बहुत टेस्टी है। और सिर्फ प्याज डाले हैं और क्या कहते हैं राई, मम्मी राई ना, राई और काली मिर्च, नमक। आदो भाई नाश्ता करो। नाश्ता गरम है ना मुंह में। गाइस, मेरा एक बचा हुआ है, मैं चाय, बस मेरी थोड़ी ज्यादा पकती है तो वो पक रही है। मैं लेके आती हूँ अपनी चाय और खाती हूँ अपना लास्ट बचा हुआ, और फिर हमारा हो जाएगा नाश्ता डन। और फिर मैं करूँगी ऑफिस और मम्मी करेगी आराम, क्योंकि आज हमारी सुरेश आंटी आ गई। आराम नहीं करूँगी गाइज। यहाँ पे हमारी चीकू आंटी नहा रही है। चीकू नहा रहे हो गाइज? इसके बालों में हमने तेल लगाया, जॉनसन एंड जॉनसन बेबी, फिर कंघी करी है और फिर अब नहला रहे हैं इसको। देखो कैसे नहा ली है, टब में नहा रही है। और गाइस, ये इसलिए भौंक रही है कि उसको क्या कर रहे हो, इसको देखना है उसको नहाते वक्त कि उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। इसलिए ये मुझ पे भौंक रही है कि मुझे लेके चल, मुझे लेके चल वहाँ पे। लेकिन मैं इसको लेके जाऊंगी नहीं, क्योंकि फिर वो गुस्सा करेगी बहुत ज्यादा। चुप, कुछ नहीं हो रहा उसके साथ। चुप 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 गाइस, आके भी जाऊंगी। ठाट देख रहे हो अब इसको, इसको कंडीशनर भी लगेगा। हाथ धो और निकाल लो, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, फिर आधी क्रीम तो मेरे हाथ में आ जाएगी। बस अब अच्छे से ना, बिल्कुल फॉरनर कुत्ता है हमारा, ट्रीटमेंट भी फॉरनर जैसे ही होता है। कौन, अरे यार और ले लो सर, इसके यहाँ लगा थी। लड़की नहा ली है और उसे गुस्सा आया है। चंडी चढ़ गई है गाइस इन दोनों को, छोटी वाली को खासकर। गाइस 2 बजे ना हमने खाना खाया था, अब 1 घंटा हो गया, तो मैंने सोचा चलो ग्रीन टी ले लेते हैं। तो बस अब ग्रीन टी 2 मिनट डिप करके रखती है और फिर इसको पीऊंगी। गाइस आप भी ग्रीन टी इंक्लूड करो अपनी डाइट में, मतलब खाने के बाद 1-1.5 घंटे बाद पी लो, अच्छा लगेगा। मैं ना लेमन, हनी लेमन वाली लाई हूँ, तो ये ज़्यादा कड़वी नहीं है। अदरवाइज एक तो मैंने पी है, पता नहीं कौन सा फ्लेवर होता है, वो बहुत कड़वा होता है। हर्बल भी नहीं, पता नहीं, वो तो बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है, तो इसलिए ये वाला ज़्यादा अच्छा है। ये वाला दो बटरफ्लाईज दिखाती हूँ, एक ये ब्लैक बटरफ्लाई और एक ये
ब्राउन बटरफ्लाई, ये पौधों में ही घूमती है, पता नहीं क्या खाती हैं क्या ढूंढती हैं। इन्होंने एक गमला तोड़ के ख़राब कर दिया जो मम्मी ने उस गमले में रखा है उधर। बाकी गाइज मौसम हो तो अच्छा रहा है, बट बारिश नहीं आ रही, हर जगह बारिश हो रही है, दिल्ली गुड़गांव, बट यहाँ बारिश नहीं हो रही, बस मौसम हो रहा है। वो भी अभी हवा चली है आपसे बात करते हुए, वरना वैसे चल नहीं रही थी। नीचे बच्चे साइकिल चला रहे हैं, बंस आंटी घूमने जा रही हैं। गाइस मैं जिम आ गई, सवा 10 बज गए और हम अभी बस खाना पीना बैठ के बातें कर रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं, खाना पीना खा लिया। अब बस अभी आज मैं आपको बताती हूँ आज हमारी दुकान पे क्या हुआ। आज हमारी दुकान का ऊपर वाला शीशा, जो थर्ड फ्लोर सेकंड फ्लोर पे जो शीशा है ना, वो धड़ाक से नीचे गिरा और सारा शीशा शीशा हो गया। बस वो तो ये है कि कोई नीचे था नहीं उस वक्त, तो बाल बाल बचे हैं सबके सब, पता नहीं किस कारण हुआ है, अभी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। लेकिन हो गया, मतलब एक पूरा इतनी बड़ी जो स्लैब थी ग्लास की, वो ऊपर से धड़ाक नीचे गिरी और अभी देखते हैं क्या होता है उसका। लेकिन ठीक है, सब सही है, बस गिर गई, नुकसान हुआ है, बाकी सब सही है, बाकी सब चल रहा है। तो बस इस व्लॉग को यही एंड करती हूँ, होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब, प्लीज़।